सीपीएम महासचिव प्रकाश करात को पूरा भरोसा है कि तीसरा मोर्चा जरूर बनेगा। उन्होंने कहा है कि उनकी कोशिश गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी सरकार बनाने की होगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता हृदेश जोशी ने। उड़ीसा में जिस तरह से राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहा है उस पर बातचीत करने के लिए सीपीएम महासचिव प्रकाश करात हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, जो उड़ीसा में हमने देखा है, अभी बहुत वक्त से आप लोग कोशिश कर रहे थे, इस स्टेप को जो नवीन पटनायक के, आप कैसे देखते हैं? नहीं, उड़ीसा में बीजू जनता दल ने जो फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए, वो स्वागतमय है। हम हमेशा ये मानते थे कि बीजू जनता दल एक सेक्युलर पार्टी है। पहले बीजू जनता दल के साथ वामपंथी और दूसरे सेक्युलर पार्टियों का सहयोग रहता था, केंद्र स्तर पर भी, और कंदमल में जिस तरह का वहां भयंकर हमले हुए हैं अल्पसंख्यकों पर, उसके बाद हमने ये भी अर्ज किया था नवीन पटनायक जी से कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार, मिलीजुली सरकार नहीं रहनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि श्री नवीन पटनायक और बीजू जनता दल ने खुद ये फैसला लिया है, जिससे आगे हमारे सहयोग भी बीजू जनता दल के साथ हो सकते हैं। ये एक ऐसे वक्त पे कहा है जब लालकृष्ण आडवाणी जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उन्होंने मजाक उड़ाया था एक तरह से थर्ड फ्रंट के आइडिया का, तो एक तरह से कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी और श्री आडवाणी हमेशा दो पार्टी सिस्टम के वकालत करते आए हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में इस तरह की द्वितीय पोलर दो पोलर सिस्टम नहीं हो सकता है। हमारे देश की विविधता को देखते हुए हमेशा तीसरे मोर्चे की पार्टियों के लिए एक स्थान रहेगा और वो आगे बढ़ने वाला भी है। सर, सीताराम ये चीज क्या पैगाम लेंगे सर फ्लोर पे, उसके लिए बात करें, फ्लोर पे आप कोशिश करेंगे कि नहीं, नहीं, वो तो जब और वहाँ पर फ्लोर ने अभी हमारे एमएलए गए तो साफ तौर पर जिस तरह से कहा है सीपीएम महासचिव प्रकाश करात ने कि इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई है वो काफी महत्वपूर्ण है उड़ीसा में, और उसमें सीपीएम जो है उसका तीसरे मोर्चे के लिए फायदा उठाने की कोशिश करेगा।